दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के शुरू होने से पहले ही चेन्नई की टीम को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 के शुरू होने से पहले चेन्नई की टीम को बड़ा नुकसान हो गया है। चेन्नई की टीम से तीन महान खिलाड़ी आईपीएल से हो चुके हैं पूरी तरह बाहर, जिसके कारण पूरे क्रिकेट जगत में मच गया हाहाकार। तो आखिरकार चेन्नई की टीम को कौन सा बड़ा झटका लगा है, ये तो आपको बताएंगे, साथ ही साथ किन तीन खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबर सामने आई है और उन तीन खिलाड़ियों की जगह पर कौन खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, यह भी हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2023 सबसे कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है। फिलहाल महिला आईपीएल प्रारंभ हो चुका है, तो वहीं आईपीएल 2023 के लिए पूरी तरीके से तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। इस बीच 31 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल से पहले चेन्नई की टीम को बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें चेन्नई की टीम ने हाल ही में अपना ट्रेनिंग कैंप प्रारंभ कर दिया है, जहां पर चेन्नई की टीम की तरफ से कई महान खिलाड़ी ट्रेनिंग कैंप में जुड़ चुके हैं और चेन्नई की टीम ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, क्योंकि 31 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल का पहला मुकाबला ही चेन्नई की टीम का होगा, जहां पर चेन्नई की टीम का मुकाबला गुजरात से होने वाला है। ऐसे में इस ओपनिंग मुकाबले से पहले चेन्नई की टीम को तीन बड़े नुकसान हो चुके हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तैयारियों से पहले ही तीन महान खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर होने का झटका लग गया है, जहां पर चेन्नई की टीम की तरफ से तीन बड़े खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, जिसमें पहला खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि चेन्नई की टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स में है। आपको बता दें बेन स्टोक्स को इस बार आईपीएल में 16.5 करोड़ रुपए में चेन्नई की टीम में खरीदा गया था। हालांकि कुछ समय पहले खबर आई कि बेन स्टोक्स आईपीएल को बीच में छोड़कर जाने वाले हैं। आईपीएल 2023 के अंत तक बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम में जुड़ने वाले हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम को जून में एशेज सीरीज और मई के अंत में आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके कारण उन्हें आईपीएल छोड़ने का फैसला किया। ऐसे में बेन स्टोक्स आईपीएल के अंतिम स्टेज से बाहर हो सकते हैं। तो वहीं चेन्नई की टीम का दूसरा महान खिलाड़ी इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली, आपको बता दें बेन स्टोक्स ने जो बयान दिया उसके अनुसार इंग्लैंड के बाकी खिलाड़ियों को भी बीच में आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में मोइन अली भी आईपीएल को छोड़कर बीच में जाने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर केल जेमिसन है। आपको बता दें चेन्नई की टीम ने इनको 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। ऐसे में चोट के कारण इस ऑलराउंडर को आईपीएल से बाहर होना पड़ रहा है, जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। ऐसे में यह चेन्नई के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो वहीं रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑलराउंडर के रूप में श्रीलंका के कप्तान दासून शनका हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके अलावा वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट भी हैं। ऐसे में इनके आ जाने से चेन्नई जीत की दावेदार बन सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चेन्नई की टीम इस बार आईपीएल का खिताब जीत सकती है कि नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।